Hey, what's up guys? You are watching on Time Technics. I am Shark. Let's start right now. तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउंड वायर एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये साउंड वायर एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड या iOS डिवाइस में भी काम करती है, और इसी के साथ साथ आपको एक इसका छोटा सा सेटअप अपने पीसी में भी इंस्टॉल करना पड़ता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि साउंड वायर है क्या, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि साउंड वायर का आपका क्या इस्तेमाल है आपके लिए। तो अगर दोस्तों आपके लैपटॉप के स्पीकर ख़राब हो चुके हैं या उनका ड्राइवर कोई बेकार हो चुका है और आपको उसको फिक्स करना नहीं आता, यानी कि लैपटॉप के स्पीकर में किसी भी तरह की कोई MP3 या वीडियो या किसी भी मूवी आवाज़ नहीं आ रही है, या आपके कंप्यूटर के स्पीकर आपके पास नहीं हैं या रिपेयर के लिए गए या आपने परचेज़ नहीं किए, यानी कि किसी भी तरह का आपका साउंड का सिस्टम आपके कंप्यूटर पीसी में नहीं है यानी कि डेस्कटॉप में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कोई मूवी या वीडियो या कोई भी सॉन्ग देखना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे यानी कि डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आप अपने फ़ोन के स्पीकर को एज ए एक्सटर्नल स्पीकर या अपने लैपटॉप के स्पीकर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने का क्या तरीका ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अपने फ़ोन को आप कनेक्ट करके आप अपने फ़ोन की जैक में जब अपने ईयरफोन को लगाएंगे तो आपके ईयरफोन में भी इससे साउंड सुनाई देंगे। दोस्तों इसका सेटअप कैसे करना है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ये मैं आपको बताऊंगा, और जो रिकमेंडेड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उनको इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों जो आगे का जो सेटअप है, प्रोसेस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी लिए देखते रहिएगा हमारा ये वीडियो। तो वैसे साउंड वायर को यूज़ करने के लिए आपको तीन स्टेप का यूज़ करना है, जिसमें कि सबसे पहला आपका है आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर साउंड वायर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा और इसका प्ले स्टोर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो आपको अपने डेस्कटॉप के अंदर यानी कि लैपटॉप के या डेस्कटॉप के अंदर कोई भी हो विंडोज़ सिस्टम होना चाहिए, तो उसके अंदर आपको एक साउंड वायर सर्वर का आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, और इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इसको अपने डेस्कटॉप में इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करने के बाद, तो अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, जिसमें कि सर्वर एड्रेस अननोन आएगा और स्टेटस जो आएगा वो आएगा डिसकनेक्टेड। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप में जाएंगे और इसके वाईफाई को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आपका जो डेस्कटॉप है वो आपके एंड्रॉयड के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट करने के बाद जो आपका इसका साउंड वायर का जो सर्वर एड्रेस है वो आपको शो होगा ऊपर यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं 192.168 इस तरह से शो होगा। और अपने साउंड वायर एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड के अंदर इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो एड्रेस आपका सर्वर एड्रेस आपके डेस्कटॉप में शो होगा वो आपको यहाँ पर इसी तरह से डाल देना है, जैसे कि 192.168.43.170 और इसको डन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्टेटस में डिसकनेक्टेड की जगह पे कनेक्टेड शो हो रहा है, तो इसका मतलब आपका साउंड वायर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ, जैसे कि वॉल्यूम पे स्पीकर्स को मैं ऑफ़ कर दूँगा, बिल्कुल यूँ कर देते हैं बंद। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे मेरा जो स्पीकर है बिल्कुल बंद है, 0% है यानी म्यूटेड है। अब मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि इसका जो साउंड है वो मेरे अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर से आएगा। प्ले करते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे एंड्रॉयड डिवाइस के स्पीकर से ये साउंड आ रहे हैं अभी इसी वक्त, और मेरे लैपटॉप का जो साउंड है वो केवल म्यूट पे है, 0 है। तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर अपने डेस्कटॉप का जो सेटअप कर सकते हैं साउंड के लिए, और आप अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर ईयरफोन लगाते हैं तो भी ये वर्क करेगा, आपके ईयरफोन में इसके साउंड आएंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और चैनल से पहले नीचे इस बॉल के आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।